सैकालीस बार रिपीट होगी, ये निश्चित है, क्योंकि माय बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था, केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। तो अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं, लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का, बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया, और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, चिरंजीवी योजना लेके आ गए जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, OP लागू कर दिया जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों ने लाइक किया, इसलिए कई चले जाओ राजस्थान में, एंटी इनकमबेंट नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। सर लोग यही कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंस कैंडिडेट्स हैं, MLAs हैं, उनके खिलाफ नहीं, वो भी मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो झूठा बदनामी बहुत किया गया जानबूझ के RSS BJP ने, MLA के बारे में कह रहा था कि भाई 40 दिन तक हमारे साथ रहे थे वो, जिस प्रकार BJP का जो षड्यंत्र है सरकार गिरानों का हॉर्स ट्रेडिंग करके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी अपनी तरफ से बात रखी गई है आज मतदान को लेकर। अभी दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सीधे एक एक करके रुक करते हैं, क्योंकि राकेश से तो हमने अभी जयपुर में बात की, लेकिन अजमेर में भी क्या यहां लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वो जानने की कोशिश मनवीर सिंह से करेंगे। मनवीर, राकेश ने वहां गोविंद देव जी के बाहर लोगों से बातचीत की, आप भी बताइए क्या स्थिति यहां पर है अभी। देखिए, राजस्थान के अंदर आज मतदान होना है और सबसे बड़ी बात है कि चर्चा इस बात को लेकर है कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज परिपाटी है। ये हम ये कह सकते हैं कि आधारित है जनता के मतों के ऊपर, और आज जब जनता यहाँ पर इस लोकतंत्र के महायज्ञ में पूर्णाहुति देगी तो उसके बाद तय हो पाएगा कि आखिर राज बदला है या रिवाज बदला है। लेकिन बात अगर अजमेर की करते हैं तो कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, और उसके साथ ही साथ कुल मतदाता है 19,76,714। वहीं पुरुष मतदाताओं की अगर बात करते हैं तो 10,05,037 पुरुष मतदाता है, और महिला मतदाता 9,71,650 है जो आज अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे। 1950 मतदान केंद्र यहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें 286 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में है और वहीं 953 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है। सभी स्थानों के ऊपर कल तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, और कल जिस तरीके से हमने देखा था मतदान दलों की रवानगी हुई, मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद अपने मतदान केंद्रों तक उनको पहुंचाया गया था। आज जो तमाम टीमें हैं वो अपने मतदान केंद्रों पर मुस्तैद हैं। सुबह 7 बजे सबसे पहले मॉक पोल होगा और उसके साथ ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। हम देखेंगे, और पूर्व में लगातार जिस तरीके से हम इस बात को देखते रहे हैं कि किस उत्साह के साथ में अजमेर अपने मताधिकार का उपयोग करता है, वही नजारे हमको एक बार फिर देखने को मिलेंगे, चाहे ग्रामीण परिवेश की बात कर लेते हैं या शहरी परिवेश की। लेकिन ये इस बार जब मतदान होने जा रहा है तो सभी राजनीतिक दलों की सबसे ज्यादा नजरें अगर कहीं टिकी हुई है तो फर्स्ट टाइम वोटर्स के ऊपर टिकी हुई है, युवा मतदाताओं के ऊपर टिकी हुई है। और जिस तरीके से इस पूरे चुनावी कैंपेन में हमने देखा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर अन्य दल या निर्दलीय हो, उनका सबका जो केंद्र था वो युवा मतदाता थे। उनके लिए कई तरह की योजनाएं, कई तरह की घोषणाएं हमने राजनीतिक दलों के माध्यम से सुनी। महिला मतदाताओं को लेकर भी ये पहली बार था कि जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मुखर हुई, उनके लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा जो है वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की है। आज का दिन हम ये कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण दिन है।
अब जो जिम्मेदारी है वो मतदाताओं के ऊपर है कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करें, अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार यहाँ पर चुने। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इस बात का जो नतीजा है वो आगामी 3 तारीख को आएगा। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार हम रिवाज बदल डालेंगे। कितना उत्साह वहां पर दिख रहा है मतदाताओं में? कुछ ही समय का वक्त रह गया है अब। देखिए, जिस तरीके से हमने पूरे चुनाव कैंपेन को देखा था, मतदाता बहुत साइलेंट नजर आ रहा था, लेकिन जहां तक मतदान को लेकर के तैयारियां हैं वो राजनीतिक दलों ने भी की है और जनता भी एक स्पष्ट मानस के साथ में अपने मताधिकार का उपयोग करेगी, इस बात का जो संकेत है हमको उस समय भी मिला जब बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की होम पोलिंग की गई थी, घर घर जाकर के उनके वोट जो है वो डलवाए गए थे। उसके साथ साथ जो राज्य कर्मचारियों के मतदान का उत्साह था वो भी साफ तौर पर हमने देखा था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा उत्साह राजस्थान के अंदर है, अजमेर के अंदर है। सुबह 7 बजे से जब यहां पर जिस मतदान केंद्र पर हम खड़े हैं, इसके साथ साथ तमाम मतदान केंद्रों के ऊपर मतदाताओं की कतारों का लगना शुरू होगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे और एक नारा जो आमतौर के ऊपर हम अजमेर में सुनते आए हैं कि पहले मतदान। ठीक है, बिल्कुल मनवीर, अब राकेश का भी रुख करना हम इस वक्त जरूरी समझते हैं, क्योंकि राकेश अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों की बाहर निकलने की जो कहें कि तस्वीरें भी ज़्यादा सामने आ रही हैं, और इसके साथ साथ आज 7 बजे का जो वक्त है वो वोटिंग का शुरू होने वाला वक्त है, और अमूमन देखने में यही आता है सामने कि सुबह जब पहला मत होता है या 7 बजे का टाइम होता है या मतदान का शुरू होने का वक्त होता है तब बड़ी संख्या में लोग आते हैं, या फिर शाम के टाइम पर आते हैं। तो ये माना जाए कि अभी आप, मुझे लग रहा है कि शायद किसी मतदान केंद्र के पास ही या फिर अभी गोविंद देव मंदिर के पास ही आप? हाँ बिल्कुल, हम गोविंद जी मंदिर के सामने हैं और यहाँ पर नजदीक पर कई मतदान केंद्र हैं, चूंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान केंद्र हैं। चूंकि हम जिस तरीके से सुबह सुबह महिलाएं खासतौर पर घरेलू काम काज में जुटती हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो अपने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं और सभी महिलाएं पहले मतदान करके, क्योंकि सुबह महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है, उसके बाद फिर दोपहर के समय पर महिलाओं की भागीदारी होती है, तो यहाँ मतदाताओं का जो एक स्तर है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से मतदान का प्रतिशत आगे बढ़ता है। जो महिलाएं हैं पहले घरेलू कामकाज के बाद फिर निकलती हैं, फिर मतदान करती हैं, और युवा सबसे पहले मतदान करने पहुंचता है, जो खासतौर पर पहली बार वोट देने जा रहा है वो अपने वोट को देने के लिए लालायित रहता है और वो मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का उपयोग करता है। उसके बाद घरेलू कामकाज में जुटी महिलाएं जब अपने कामकाज से फ्री होती हैं तब मतदान केंद्रों पर पहुंचती हैं, और जो दिन भर यह सिलसिला जारी रहता है, करीब सुबह 9:15 बजे जब एक बार पहली बार मतदान का रुझान आता है कितने फीसदी मतदान हुआ है, उसके बाद ये धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ता है। हालांकि ये प्रक्रिया देर रात तक जारी